बायोलॉजी चैप्टर नंबर फोर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर फोर में हम लोग जो है वो सेल और टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे और इनके बारे में स्टडी करने से पहले क्योंकि इनको हम लोग ने कड़ाई से नहीं देख सकते तो इनके बारे में स्टडी करने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग ये स्टडी करेंगे वट इज़ अ माइक्रोस्कोप एंड हाउ कैन वी यूज़ द माइक्रोस्कोप वट आर द टाइप्स ऑफ द माइक्रोस्कोप और वट आर द डिफरेंट यूज ऑफ द माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोप की पहली टाइप के बारे में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन जो लाइट माइक्रोस्कोप थी अब यहाँ पे उसकी दूसरी टाइप है विच इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप इन विच वी यूज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द सोर्स ऑफ लाइट एक एडवांस फॉर्म है जी माइक्रोस्कोप की जिसमें हम लोग जो है जिस तरह से लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग विजिबल लाइट को इस्तेमाल करवाते हैं लाइट के सोर्स के लिए देखने के लिए क्योंकि देखने के लिए लाइट जो है वो जरूरी होगी इस तरह से इसके अंदर जो है वो हम लोग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करवाते हैं ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो सा सोर्स हम लोग इस्तेमाल करवाएंगे उस सोर्स से छोटी चीज़ को माइक्रोस्कोप नहीं देख सकती जैसे कि वहाँ पे हमने यूज़ करवाई थी बीम ऑफ लाइट विजिबल लाइट तो विजिबल लाइट से जो छोटी चीज़ें हैं उनको लाइट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकती जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग जो है वो दुनिया की सबसे छोटी चीज़ इस्तेमाल करवाते हैं विच इज़ अ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये हुआ कि इसके ज़रिए हम लोग जो है वो सेल को प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को एटम के स्ट्रक्चर को सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनालीस हर चीज़ को देख सकते हैं तो इसमें आपने यही चीज़ पहले याद रखनी है कि ये एक एडवांस फॉर्म है और इसमें हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल करवाते हैं और इसमें होता यह है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको हम लोग एक वैक्यूम के अंदर रख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स ऑब्जेक्टिव लेंस और इस ऑब्जेक्टिव लेंस को हम लोग एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखेंगे पीछे से हम लोग जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डालेंगे आगे हमारा वो स्पेसिमन है जिसको हमने देखना है लाइट या तो उसके उसके साथ टकरा के उसके अंदर से पास आउट हो जाएगी या फिर उसके साथ टकरा के जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सामने हमने जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म लगाई होगी इसके अंदर जो इन लार्जिंग लेंजेज हैं इमेज इस, को लार्ज करके बड़ा करके यहाँ पर बना देंगे और इस चीज़ को जो है वो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो काम करती है इसकी रेजोल्यूशन तकरीबन जीरो पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट टू नैनोमीटर तक होती है मतलब कि ये जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय टेन रेस की पावर माइनस नाइन मीटर तक की छोटी चीज़ को ये देख सकता है उसके बाद इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो तकरीबन जो है वो टू फिफ्टी थाउजेंड एक्स तक होती है कि ये किसी भी चीज़ को लाख गुना बड़ा करके दिखा सकती है तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है अब उसके बाद इसकी टाइप्स की बात करें तो इट हैज टू टाइप्स इसकी दो टाइप्स हैं एक टी ई एम दूसरी एस ई एम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ट्रांसमिशन का मतलब है कि इस माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ एडवांस फीचर्स डाल के तो इसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट कर देते हैं अब इसमें जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है वो सेल के अंदर चली जाती है और सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनालीस के बारे में हमें बता देती है जबकि तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये यूज होती है टू सी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल क्योंकि इसमें लाइट जो है वो सेल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से टकरा के वापस आ जाती है और इसमें हम लोग जो है वो बाहर वाली बाउंड्री जो है सेल की उसको देख सकते हैं तो ये आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यही लॉन्ग क्वेश्चन में आपने याद रखना है और इसमें डिफरेंट हेडिंग्स बना लेने या पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग बना लें फिर रेजोल्यूशन बता, बता दें उसकी कितनी है मैगनीफिकेशन की हेडिंग बना के मैगनीफिकेशन बता दें उसकी कि ये कितनी है फिर उसकी टाइप्स बता देंगे इसकी दो टाइप्स हैं टी ई एम है और एस सी एम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया उसमें लिखा भी होगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन टी ई एम एंड एस सी एम के इन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट करें